जी बिसमीम स्टूडेंट्स आज हमारा नवा लेक्चर है इस लेक्चर में हमने पढ़ेंगे आर्टिकल ट्वेंटी सेवन क्यू एस ओ का आर्टिकल ट्वेंटी सेवन करेंगे शुरू और ट्वेंटी नाइन तक हम इसको ख़त्म कर देंगे फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड आर बॉडी आर बॉडी फीलिंग्स ऐसे फैक्ट्स जो माइंड की स्टेट ऑफ माइंड को की एग्जिस्टेंस को शो करते हों और बाडी या बॉडी की फीलिंग को शो करते हों उसके एग्जिस्टेंस के बारे में तो वो क्या हो जाएंगे फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड जो स्टेट ऑफ माइंड की किसी की मौजूदगी को स्टेट ऑफ माइंड की मौजूदगी को शो करते हों कि ये पाई जाती है सच इंटेंशन नॉलेज और गुड फेथ उसकी इंटेंशन के बारे में साबित कर दें या उसके नॉलेज के बारे में गुड फेथ के बारे में नेगलिजेंस के बारे में रैशनेस के बारे में इल विल के बारे में और गुड विल के बारे में टू वर्ड्स एनी पार्टिकुलर पर्सन किसी खास शख्स की तो वो क्या हो जाएंगे रेलिवेंट हो जाएंगे या शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी किसी स्टेट ऑफ बॉडी जो किसी uh, uh, शख्स की स्टेट ऑफ बॉडी को शो कर दें कि कह देंगे इसकी उस वक्त ये हालत है स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स या उसके बॉडीली ये फीलिंग्स थी वो क्या हो जाएंगे वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड जब किसी स्टेट ऑफ माइंड की इस तरह की एग्जिस्टेंस पाई जाती है और बॉडीली बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स की ए इज इन इशू और अरेलीवेंट फैक्ट और अरेलीवेंट तो क्या हो जाएगा जब किसी शख्स के ऐसे फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड को बॉडी को और बॉडीली फीलिंग्स को किसी फैक्ट फैक्टी रेलिवेंट फैक्ट को के लिहाज से उसकी ए, उसकी एग्जिस्टेंस को साबित कर दें कि ये उस वक्त पाई जाती थी तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे ठीक है आगे एक्सप्लेनेशन वन पढ़ते हैं अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट के वो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है एक ऐसा फैक्ट जो रेलीवेंट रेलीवेंट है रेलीवेंट तौर के तौर पर वो ये कि के, के ये स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करता था तो उसको स्टेट ऑफ माइंड शो करना चाहिए साबित करना चाहिए नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पार्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन जो पार्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन है उसके लिहाज से उसको वो क्या करेगा वो साबित करेगा एक्सप्लेनेशन टू बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ पर्सन ऑफ एन ऑफेंस एक अक्यूज एक, एक, है उस पर यानी कि

जी आज हम आगे बढ़ते हैं कि चलो इलेस्ट्रेशन जो जो ये ए है हम इसका भी देख लेते हैं ये ए क्या कहती है ए इज़ अक्यूज ऑफ ए रिसीविंग गोल्डन स्टोन जो ए है उस पर अलाम है कि उसने सोने के कुछ ऑर्नमेंट जो ना वो लिए नोइंग दैम टू बी स्टोलन के वो चोरी के हैं उसके बावजूद उसने ले लिए इट इज़ प्रूव दैट ही वाज इन पोजैशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल्स के उस ये भी साबित हो जाता है कि उसके पास वो पार्टिकुलर आर्टिकल्स मौजूद हैं द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम उस सेम टाइम पर ही वाज इन पोजेसन ऑफ मैनी अदर स्टोलन पार्टिकल स्टोलन आर्टिकल्स इज़ रेलिवेंट और और फैक्ट ये भी एक फैक्ट है कि उस वक्त एट द सेम टाइम उसके पास दूसरी भी कई चोरी के सामान मौजूद था तो ये जो फैक्ट होगा कि दूसरे भी कई उसके पास उसी वक्त तो दूसरा बहुत सारी चीज़ें दूसरे आर्टिकल्स भी ऐसे थे वो भी चोरी के थे तो उसी के पास थे एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ही वॉज इन पोजेशन टू बी स्टोलन के वो जानता था कि जितने भी उसके पास आर्टिकल है वो चोरी के हैं तो फिर क्या होगा वो ये ऐसे फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे ठीक है यानी कि ये उसकी एक ना एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आर बॉडी आर बॉडी फीलिंग्स तो क्या हो जाएगा ये रेलिवेंट फैक्ट होगा हम आगे आर्टिकल चल, चलते हैं शुरू करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी एट फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल आर इंसिडेंटल इंटेंशनल अगर क्वेश्चन ये है कि ऐसे फैक्ट्स जो के वो साबित करने के लिए कि एक्ट जो किया गया वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था एक्सीडेंटल खुद खुद हुआ है या जानबूझ के किया गया है व्हेन देर इज अ क्वेश्चन आर डन विदिकुलर नॉलेज आर फैक्ट दैट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रांस इन ईच ऑफ विच

तो वो ऐसा फैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा इसकी इलेन आगे बढ़ते हैं आपको समझ आ जाए जाएगी एज अकूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑप्टेन मनी फ्रॉम इट इज इंश्योर्ड ये क्या करता है इंश्योरेंस करवाई उसने अपना घर उसने जला दिया उसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है पैसे मिल जाते हैं फिर क्या करता है अपना दूसरा घर लेता है उसको क्या करता है कि इंश्योर करवाता है उसको जला देता है उससे भी ले, ले लेता है ये इसकी इलेट्रेशन है उसेज सक्सेसिवली विच ही इंश्योर जो उसने करवाया हर घर उसने इंश्योर करवाया इन ईच ऑफ विच एफ आयर अकड़ अब सबको आग लग गई एंड आफ्टर ईच ओ विच फायर इंश्योरेंस uh, ऑफिसर से क्या किया उसने पैसे रिसीव uh, हो जाएंगे एज स्टैंडिंग टू शो दैट द फायर वाज नॉट एक्सीडेंटल ये इंटेंशनल फायर थी जो क्या करता था एक गार इंश्योर करवाता था उसको आग लगा कर ये शो करता था कि इसको आग लग गई है

द एगजिस्ट एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट इज नैचुरली वुड है रेलिवेंट फैक्ट जब कहीं क्वेश्चन ये हो कि कोई पार्टिकुलर एक्ट वॉज डन कोई पार्टिकुलर एक्ट किया गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस के किसी कोर्स ऑफ बिजनेस की यानी कि कोई काम है उस दौरान वो एक्ट किया गया है कि वो उसकी एग्जिस्ट करता है या नहीं अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान ये एक्ट जो है इट नेचुरली वुड हैव बीन डन उसको नेचुरली किया गया इज रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा द क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैचड आर नॉट अगर वो देखिए एक बंदे डाक डाकी के पास डाक जाती है अब उसने वो यही उसने डिस्पैच कर दिया अब क्वेश्चन ये कि उसने डिस्पैच किया कि नहीं किया अब ये कि जी क्वेश्चन ये था द क्वेश्चन इज वेदर अ पार्टी को लेटर वाज डिस्पैच क्या पार्टी को लेटर डिस्पैच हो चुका है या नहीं हुआ जी पढ़ते हैं आगे इसमें ये स्कैन इस नहीं हुआ हुआ था मैं बुक से पढ़ रहा हूँ द फैक्ट दैट इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर आल लेटर्स पुट इन सर्टन प्लेस टू बी कैरी टू द पोस्ट के जो भी एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एक आम यानी कि बिजनेस का काम है ये कि उस बिजनेस में एक लेटर डिस्पैच होने ही होने हैं पोस्ट के लिए एंड दैट पार्टी को लेटर वज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट कि वो लेटर भी यानी कि डिस्पैच कर दिया गया था यह रेलिवेंट फैक्ट है दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये है द क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टिकुलर लेटर रीच है ये एक, एक पार्टिकुलर लेटर जो है वो ए तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा द फैक्ट दैट इट पोस्टेड इन ड्यू कोर्स उसको पोस्ट कर दिया गया एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू डेड लेटर ऑफिस रेलिवेंट कि वो वापस नहीं आया इसका मतलब वो रिसीव हो गया ए तक पहुंच गया ये रेलीवेंट फैक्ट है अगर वो वापस नहीं हो तो यह रेलीवेंट फैक्ट है तो उस तक पहुंच गया है ये था आज के लेक्चर स्टूडेंट्स अगर आपको यानी कि ये, ये मेरे लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहे हैं बेरक़्स पढ़ने के में मदद मतलब दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको दूसरों तक पहुँचाएँ और इसको पूरा लेक्चर सुना करें और ये आपको फ़ायदा देगा बे लैक्चर की रीडिंग आएगी मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि जितना तक मुझे मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक शेयर करूँ हाँ और दूसरी बात ये अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों को बता दें ये लेक्चर्स आपको सिविल जज की तैयारी में डीडीपीपी की तैयारी में एडीपीपी की तैयारी में हेल्प करेंगे और लाग एट में आपको हेल्प करेंगे और जितने भी वन पेपर्स हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे क्योंकि बेर एक्ट पढ़ने से ही जाने की सारा पता लगता है इसलिए मैं बेर एक्ट रीडिंग कर रहा हूँ बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वेरी मच